लाई है, बाकी कैंपस मैनेजर रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, ताकि टीचरों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई वाल होवे, जिहड़े आले दुआले होर चीज़ां ने उन्हां लई नौकरियां भी मिलणगियां, किन्नियां नौकरियां मिलियां, सीसीटीवी कैमरे। और तुहानूं तुसीं बसां देख के जाइओ, 200 स्कूलों के इहो जिहियां बसां चल रही ने, मैं मिल के आया बच्चों 20-20 किलोमीटर तो 18-18 किलोमीटर तो बच्चे आ रहे हैं। और 10,000 तो ज़्यादा बच्चे इस वक्त सरकारी स्कूलों की ट्रांसपोर्ट का लाहा ले रहे हैं, जिस 7200 तो वध लड़कियां ने। आम तौर पर 8वीं का स्कूल हो, 10वीं का स्कूल जिहड़ा है वह पिंड तो दूर हो, मापे जिहड़े ने जिन्ना मर्जी इंटैलीजेंट बच्ची हो, खास तौर पर बच्चियां स्कूल चो हटा लेंगे, हटा लेंगे सी कहे हूँ कि जी सानू तो जी पढ़ाई नालों इज्जत प्यारी है, जाने का कोई साधन नहीं, ट्रालिया लम के जांदियां ने, बसों के जाल के पिछे लम के जांदियां ने, किसी अजनबी तो राइड लेनी पैंदी है, मुश्किल सी। तो असी ट्रांसपोर्ट का प्रबंध किया, मापे भी आए हुए हैं अज्ज, तुसीं उन्हां नाल भी प्लीज़ जरूर उन्होंने सवाल पूछ के जाओ कि उन्होंने किवें लग्या इत्थे आके, जां उन्हां दा माहौल देख के बच्चों का। स्कूल ऑफ एमिनेंस 118 बनने हैं, 14 बन गए, 14 तैयार पे ने, 2-3 महीने च हो जाएंगे लॉन्च। ये बेस है साडा, प्राइमरी तो लैके प्लस टू तक जो बेस असी वधिया बनाता, बिल्डिंग उपरों जिनी मर्जी सोहनी बना लो, जो नींह नहीं हैगी वधिया तो ज़्यादा देर नहीं कर सकती। नींह वाली इट जिहड़ी है ना, जदों आपां पट्ठे ते जाने ना, आपां कहने 1 रुपया 2 रुपये वध ला ली रेट, पर दोम सोम इट ना दी, दोम होगी दूजे दर्जे की, ये दोम सोम इट्टा की एक वरायटी है, शायद उन्होंने तो नहीं पता होना, जिहड़े वड्डे पहाड़ां वाले स्कूलों च पढ़े है उन्होंने दोम सोम का नहीं पता, उन्होंने कदे इट्टी नहीं देखी, बेचारे पट्ठे भी नहीं गए करे, वो उन्होंने तो पट्ठा बिठाया ही है, मतलब पंजाब का होर तो कोई किया नहीं उन्होंने काम। सो अज मैं खुशी है इस गल की कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, और मेरे को काफ़ी डिटेल पई है, ये गल बोलने की लोड़ नहीं, गल बच्चे आप ही बोली जाते हैं कि किताबां जिहड़ियां ने सबजैक्टां दियां वह पहला मिल रही ने। और इस स्कूल की गल करिए, 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया, 3.5 करोड़ अजे होर लगना, स्विमिंग पूल बनना उत्थे, और कंपीटिशन वास्ते बना, कोई वो कोई फन वास्ते नहीं बना, साढ़े बच्चे इतों तैराकी भी जाने, बहुत सारे बच्चे कहते NDA जाना है, गांह सानू फिर UPSC का NDA का ट्रेनिंग सेंटर भी बनाने पैणगे। स्कूल ऑफ एमिनेंस का आइडिया भी यही सीगा कि जब 8वीं 9वीं तक बच्चे का पता लग जाता बच्चा किधर जाना चाहता, स्पोर्ट्स वाल जाना चाहता, स्पोर्ट्स वाल जो ध्यान है तो उन्होंने स्पोर्ट्स बारे पढ़ाया जाए, मैथ्स वाल जाना चाहता मैथ वाले पास जाए, जिहड़ा भी सब्जेक्ट उन्हें वधिया लगता उही पढ़ाया जाए, थप्पिया ना जाए। उते छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं नीट क्लीयर करनी है, यह मतलब नीट का पता तो लग गया, नहीं तो पता ही नहीं सी नीट की होंदी है, सारा कुछ दस्या जाता है कि नीट करके तुसी इदां करके डॉक्टर बन जाओगे। 157 बच्चे पहली बार होया, 157 बच्चों ने IIT टैसट क्लीयर किया, सरकारी स्कूल के बच्चों ने पिछली बार, यह सुपना पर सच हो रहा। अरविंद केजरीवाल जी ने जदों फुल सरकार बनी 15 च, मनीष सिसोदिया जी उन्होंने साथी सिक्ख्या मंत्री, दो ऑप्शन सी, अफसर की रिकमेंडेशन सी सरकारी स्कूल बंद कर दो जी, घाटे का सौदा, मर्ज कर दो जी इन्हों, पर अरविंद केजरीवाल जी क्योंकि आप वो IIT खड़गपुर तो पढ़े हुए हैं, IRS ऑफिसर ने, पढ़ाई का मुल पता है, तो उन्होंने कहा नहीं सरकारी स्कूल ठीक करांगे। सरकारी स्कूल ठीक करन दा फैसला लिया, बहुत चैलेंजेस आए, दिल्ली च जगह की प्रॉब्लम है, दिल्ली के स्कूल इदा ने, अपने स्कूल इदा ने, दो फ्लोर नवे बनाए, कई हज़ार कमरे नवे बनाए, सिंथेटिक ट्रैक बने, लिफ्टां लगियां, टीचरों को ट्रेनिंग देने लई विदेशों भेजा गया, फिर जाके यकीन बनया मापियां दा, हुण 2 लख तो 2.5 लख दे विच विच बच्चे प्राइवेट चो कढ के सरकारी, दिल्ली की गल करदा मैं, सरकारी च मापे जिहड़े ने वो भर्ती करा रहे हैं, क्योंकि यकीन बन गया IIT क्लीयर कर रहे हैं। अरविंद जी दसदे सी कहिंदे जदों मैं IRS का एग्जाम क्लीयर किया सी तां हिसार जिले के आले दुआले के 20-30 किलोमीटर के रेडियस मैं कल्ले सी, कहिंदे हुण दिल्ली के हर दूजे स्कूल चों IITian निकल रहे हैं, किसी का बापू किसी ओवरब्रिज थले प्रैस करता कपड़े, किसी की माँ
लोगों ने घर च झाड़ू पोचा ला के गुजारा कर दिया, पर उन्होंने बच्चे IIT क्लीयर कर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा विद्या सिक्ख्या एजुकेशन एक शेरनी दे दुध वर्गी है, जिहड़ा उन्हूं पीऊगा वह दहाड़ूगा। सो बाबा साहब के सुपने पूरे करने, उन्होंने किन्ना हालातों च उस वेले पढ़ के विदेशों चो PhD दी डिग्रियां लईआं। माहौल मिल जाए बच्चों, साढ़े बच्चों टैलेंट की कोई कमी नहीं, माहौल नहीं मिलता। तो आही बच्चे साढ़े प्राइवेट ने कंपीटिशन है, हूँ तो पुल इको पुल थलों भी पानी लंघता, हूँ तो पूरी दुनिया कंपीटिशन तो एको थां ही होंदा। उत्थे जाके अपने पहले सरकारी स्कूलों के बच्चे पहले घबरा जाते, आ तो सानू पढ़ाया ही नहीं गया जी, आ कितने फस गए, कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता सी। ईवन क्लास च टीचर के सामने खड़े होकर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होंदा सी। कॉन्फिडेंस हुण देखो तुसीं बच्चे बोलते हैं। मैं गया, मैं दिल्ली भी दसी सी गल, मैं जांदा सी बाई कार फतेहगढ़ साहब जांदा सी मोहाली तो चुन्नी स्कूल च रुक गया। मैं चलो यार स्कूल लगे हुआ वैसे ही रुक गए, टीचर्स नूं मिले तो मैं जी कोई क्लास मिला दो, सत्तवीं अठवीं क्लास चले गए, बच्चों मिलने लग गए। कोई पता नहीं सी उन्हां नूं, ना ही किसी ने सिखाया सी भी आएँ कह दी आएँ कह दी, तारीफ कर दी होंगे ना कई बार पता होंगे तो बच्चे कहते हैं आएँ कह दी। मैं पूछने लग गया कि कोई बच्ची कहती मैं पुलिस अफसर बनना है, कोई मुंडा कहता मैं DC लगना है, एक कहना भी मैं की बनना, कहते मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं क्या बड़ी वधिया गल है, पर यार थोड़ा जिहा लंबा नहीं सोची बैठा भी, हजे तो सत्तवीं अठवीं च है, हजे पढ़ना है, फिर लोग सेवा चाहेगा, फिर कोई पार्टी ज्वाइन करेगा, फिर उस पार्टी च कम करेगा, फिर पार्टी का यकीन बनू, फिर टिकट मिलू, फिर लोगों जाएगा, फिर लोग तेन जिताओगे, फिर कितने रास्ता क्लीयर होगा। काफ़ी टाइम लग जो अच्छे तो सत्तवीं अठवीं, कहना कोई गल नहीं जी उन्हें चर तुम है। मैं क्या यार कॉन्फिडेंस देखो इस बच्चे का। सो सानू तो मैं जो पहली बार स्टेज पर चढ़िया प्लस वन च पढ़ता से, मैं शहीद ऊधम सिंह गौरमेंट कॉलेज सुना, उदे मैनू ऐस ना आ जिहड़ा लैक्चर स्टैंड है, मैनू उदे इहदी वैल्यू पता लगी सी, क्योंकि इहदा फायदा यही है जे लत्तां कंबदियां होण तां दिसदियां नहीं, क्योंकि उदे लत्तां कंबियां मेरियां, पर बचा इस करके हो गया कि आ मेरे मूहरे खड़ा सीगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं बनते पहली बार स्टेज पर चढ़े सीगे जी। सो ये चीज़ जिहड़ी है हुण वाले बच्चों असीं पहले दिनों कॉन्फिडेंस उन्हां दा होवे, अज कॉन्फिडेंस का जमाना है। इंटरव्यू जो वीजा इंटरव्यू होंगे ना अमेरिका की एंबेसी चे एवें रट्टे लवाई जाएंगे जी, आ पूछा तो कहीं वो कख नहीं सुनते, वो कल कॉन्फिडेंस देख रहे भी रट्टा लागे तो नहीं आया हो, अखा देख लेंगे सवाल पूछ के अपना काम कर लग जाते, वो सिर्फ ये देखते हैं किन्ने कॉन्फिडेंस ने जवाब देना। बड़ी बड़ी इंटरव्यूज के कॉन्फिडेंस ही चलता है। एलन मस्क दुनिया का सब तो अमीर बंदा, वो दफ्तर च एक कम करती सी गोरी, रिजाइन लेके आ गई, कहनी मैं इस्तीफा देना है, वो कहना ओके आ इस्तीफा तेरा रख लेना, आ $1,00,000 लै दुनिया घूम के आ जा, वर्ल्ड टूर करया, फिर मैं तेरे इस्तीफे बारे फैसला ले लूँगा। उन्हें आखिया दोनों कम बन गए, ना तो इस्तीफा देता ना $1,00,000 मिल गया, वर्ल्ड टूर पर चली गई, घूमे ही सारी दुनिया, 1.5-2 महीनों बाद आ गई, कहती जी मैं आ गई, मैं रिजाइन दिता सी, कहता अच्छा हाँ पे तेरा रिजाइन एक्सैप्टड, रिजाइन तेरा मंजूर। वो कहती जी मंजूर ही करना सी, उस दिन ही कर लेंगे जी, मैंने $1,00,000 देता, मैंने क्या दुनिया घूमया ना रिजाइन। वो कहते उस दिन मैंने ये पता नहीं सी तेरी मेरे दफ्तर च अहमियत की है, कहना जे तेरी अहमियत होंगी ना 2-3 दिन दफ्तर से तसली मच जानी सी भी आई नहीं, वो कम खड़ा जी, कहना महीना 1.5 महीना हो गया मैंने किसी ने पूछा ही नहीं भी तू आई है या नहीं आई, कहना जा फिर। सो अपनी जगह बनानी, अपनी पहचान बनानी बहुत जरूरी अज के जमाने कि तुहाडे बिना सरे ना, काम करो पर कॉन्फिडेंस इन्ना हो कि तुहाडे बिना सरे ना, तुसी एक की पार्ट बनो उस सिस्टम के, जो थोड़े बिना सरदा 1.5 महीना फिर कहना जा जिते 1.5 महीना सर गया उत्थे होर सर जूगा। सो जमाना कंपीटिशन का, जमाना AI का, तो साढ़े बच्चे तरक्की कर रहे हैं, मेरे MP साहब खड़े ने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स आए ने, एजुकेशन मिनिस्टर साहब खड़े ने, वकील ने खुद ऐसे इलाके तो जीते हुए हैं। सो इन्हां चो भी बहुत सारे बच्चे राजनीति च भी आउणगे, जुडिशरी च भी जाणगे, ब्यूरोक्रेसी च भी जाणगे। सो बच्चा जो चाहुंदा उहनूं वो कर लैण दो। मापिआं नूं अज मैं यही कहा मैसेज, अज मैं यही देना कि बच्चे ते दबाव ना पाओ कि तेरे 99.2 क्यों आए ने, 99.3 क्यों नहीं आए, फलानिया के अवतार वांगू
फलाने दे गुलजार वांगू, हो सकता उहदे च कोई होर खूबी होवे, बच्चे तुहाडे च कोई होर खूबी होवे। सो अज जिन्ने भी मापे इस वक्त स्कूलों च ने, सरकारी स्कूलों च, उन्होंने मैं यही मैसेज देना चाहूँगा मीडिया राही कि अपने बच्चे ते यकीन करो, एप्रीशिएट करो, थोड़ी बहुत कोई कमी है प्यार नाल दसो, क्योंकि जे आप ज़्यादा बच्चे नूं दबाव पाने, एक्सपैक्टेशन ज़्यादा हाई कर लेने, तो बच्चे फिर प्रैशर च रहन लग जाते हैं। पहले बच्चे नहीं, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आने तो बाद सुसाइड दी खबरां भी सुनिया घट नंबर से, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने, हालांकि यूनिवर्सिटी तो मच्योर मुंडे कुड़ियां होंदे ने, यूनिवर्सिटी ने बाद च फैसला किया होया हुण जिहदे घट नंबर आ गए दसने नहीं, उहदे मापिआं नूं बुला के दसदे आ, क्योंकि कंपीटीशन जां एक्सपैक्टेशन इन्नी हाई हो जांदी आ, उह इदां दा दबाव बच्चे ते नहीं रहना चाहिए। किसी ने, किसी की लिखाई बहुत वधिया हुंदी है, कोई स्पोर्ट्स बहुत वधिया करदा है, कोई लिखारी बहुत वधिया है, सो हर एक बच्चे, हर एक बंदे च परमात्मा ने कोई ना कोई फन, कोई ना कोई कमाल दित्ती है, सो उन्हूं निखारना टीचर्स का काम है। बाकी एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप फाइव प्रायोरिटीज़ दिल्ली च भी साड़ी ही ने, साड़ी दो जगह पर सरकार है, दोनों जगह पर ही ने, दिल्ली च ही पूछ लियो जाके बिजली बारे, इंफ्रास्ट्रक्चर बारे, पानी बारे, पढ़ाई बारे, ते हस्पतालों बारे। इत्थे भी कल ही नैशनल लैवल के डाटे अखबारों छपे है कि साढ़े पंजाब का पानी जो धरती का लैवल है उपर आने लग गया, कस्सियां सूए चला ले असी, इतों तक चलता पानी, अज इत्थे बैठे हैं इतों तक चलता पानी, इत्थे नीले रंग का पानी, इत्थे सतलुज निकलता, इतों नीले रंग का, भाखड़ा भी नीले रंग दी है, एको जगह तो निकलते हैं, लुधियाने तक जाते जाते सतलुज काले रंग का हो जाता, भाखड़ा नीली रहती है, कारण की है, भाखड़ा चो पानी निकलता है पंजाब, भाखड़ा च पानी कितों पैंदा नहीं, इधर जो कई सालों तो गंद मंद फैक्ट्रिया का, जो शहर का सीवर का चक सतलुज, सतलुज काले रंग का कर देने, वो भी असं ध्यान दे रहे हैं, बुढ़े नाले से या पानियां पहला बचाना नहीं, नाल निर्मल भी रखना, जे गंदला ही पानी है फिर ना ना वो पानी है कुछ नहीं, फिर तो कैंसर की फैक्टरी है। सो ये साड़ियां प्रायोरिटीज़ ने, बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब का रीचार्ज जिहड़ा धरती का वह बढ़ गया, तो जिन्ना आप धरती चो पानी कढ़ते, हालांकि ज़्यादा है अजे वो, पर घट गया पिछली बार नाल, असीं भी एप्रीशिएट कर रहे हैं कि नहरां दा, कस्सियां दा, सूहां दा पानी साडा जिहड़ा वह हम इस्तेमाल होवे, चाहे फैक्ट्रियां चाहे खेतों च कर रहे कुछ, क्योंकि साड़ी फ्यूचर की जनरेशन वास्ते अभी कुछ तो छड़ के जाइए ना, नाम ही रह जूगा नहीं तो फिर सूबे का, पानी से पंज आब, पंज पानी। सो इस करके जो भी असी आम तौर पर लीडर जड़े ने वो नैक्सट इलैक्शन बारे सोचते हैं, पर आम आदमी पार्टी है नैक्सट जनरेशन बारे सोचती है कि असी अगली जनरेशन को की छड़ के जाना। हस्पतालों पर काम चल रहा है, मोहल्ला क्लीनिक बन गए 860, होर बन गए, जिन्ना दिल्ली वाले टाइम लगता सी वो तो कितने चौथा गुणा भी घट टाइम लग रहा, क्योंकि उतों तजर्बा ले लिया सी।